हे गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम, आज के वीडियो में हम बात करते हैं पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए। आज हम बात करेंगे उसके 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के बारे में। तो उस 2016 में दो शिफ्ट में पेपर हुए थे, एक 9 से 12 और 2 से 3। तो ये आज के वीडियो में हम दोनों पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जनरल नॉलेज के। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, 2 या 3 नंबर का आपको अच्छी तरह फ़ायदा यहाँ से मिल सकता है। तो दोनों पेपर के हम क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 40 क्वेश्चन है हमारे पास, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि MS Excel में वर्तमान तिथि एवं समय दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे? तो डेट ब्रैकेट, टुडे ब्रैकेट या नाउ ब्रैकेट, टाइम ब्रैकेट। तो ये है गाइस नाउ ब्रैकेट, तो राइट आंसर रहेगा अपना थर्ड वाला। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या कोलकाता। तो गाइस करेक्ट जो आंसर है वह है भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है। इसके बाद कि प्रकाश ऊर्जा रिक्त स्थान प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वसा अपचयन, वाष्पोत्सर्जन या श्वसन। तो यह है प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क का प्रयोग क्या प्रयोग है? तो आसानी से वर्तनी त्रुटियों को सही करना, तीव्रता से दस्तावेज में एक विशिष्ट स्थान पर जाना, या तीव्रता से दस्तावेज की समाप्ति पर जाना, दस्तावेज के भीतर पर लिंक बनाना, या जो इसका जो राइट आंसर है कि तीव्रता से दस्तावेज में एक विशिष्ट स्थान पर जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि मस्तिष्क का चिंतन करने वाला भाग कौन है? तो मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क या मेरु रज्जु। तो अग्र मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का चिंतन करने वाला भाग कहलाता है। इसके बाद वाष्पोत्सर्जन के अलावा पौधों में स्टोमेटा का कार्य क्या कार्य है? उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, स्त्रावरण या गैस विनिमय। तो गाइस जो वाष्पोत्सर्जन के अलावा पौधों के जो स्टोमेटा होते हैं उनका प्रमुख कार्य जो है कि गैस का विनिमय करना, जो O2 लेते हैं, सॉरी CO2 लेते हैं तथा O2 को ये छोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम, BIOS या PROM या RAM, रैम। तो राइट जो आंसर है वह है रैम। रैम को जो है वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश का नहीं है? ऑप्शन है असलम शेर खान, सेकंड नरेंद्र हिरवानी, सरोजनी आष्टे या कीर्ति आज़ाद। तो यह कीर्ति आज़ाद, जो कीर्ति आज़ाद जो है मध्य प्रदेश के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से नहीं है। इसके बाद MS वर्ल्ड में पूर्व में किए गए कार्य को पूर्ववत करने के लिए दबाया जाता है, तो इसको लिए दबाया जाता है Ctrl Z। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोसेसिंग भाषा कौन सी है? तो प्रोसेसिंग भाषा ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए लोटस, बी पास्कल, सी MS Excel या फायरफॉक्स। तो ये है पास्कल। पास्कल जो है कि निम्न में से प्रोग्रामिंग भाषा है जो दिया हुआ है उसमें से। इसके बाद रक्त एक उत्तक है, तो जननात्मक, संयोजी, उपकला या पेशी। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। इसके बाद वायु धूल द्वारा गर्म रेगिस्तान में और उसके चारों ओर बनी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन है पांशु मिट्टी, धूमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोयस मिट्टी। तो यह है लोयस मिट्टी, जो वायु धूल द्वारा गर्म रेगिस्तान में और उसके चारों ओर बने मिट्टी को लोयस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल समर्थ योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन है 2 जून 2004, 1 अगस्त 2004 या 25 सितंबर 2004, 1 अप्रैल 2006। तो यह 25 सितंबर 2004। तो 25 सितंबर 2004 को मध्य प्रदेश में पंडित दीनदयाल समर्थ योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती होती है? ऑप्शन है मंदसौर या शिवपुरी, सागर या रायसेन।
तो मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर जिले में जो है अफीम की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। इसके बाद निम्न में से कौन से रोगों से बचने के लिए डीपीटी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन है डिप्टीरिया काली खांसी या टाइफाइड, डिप्टीरिया काली खांसी या टिटनेस, डेंगू काली खांसी या टाइफाइड, या डेंगू पोलियो या टिटनेस। तो यह है डिप्टीरिया काली खांसी और टिटनेस, इसके लिए डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद निम्न में से मध्य प्रदेश की मुख्य नदी बेसिन कौन सी नहीं है? तो गंगा बेसिन, ताप्ती बेसिन, महानदी बेसिन या माही बेसिन। तो ये है गाइस महानदी बेसिन। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो यह गोंडवाना लैंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन, और रिपीट भी हो सकता है इस बार एग्जाम में। इसके बाद रेफ्रिजरेटर में शीतलक किससे उत्पन्न होती है? बर्फ जो फ्रीजर में जमा होती है संपीड़ित गैस के सहसा प्रसारण से, या वाष्पशील द्रव्य का प्रसार, सॉरी वाष्पन, या इनमें से कोई नहीं। तो यह थर्ड, वाष्पशील द्रव्य का वाष्पन। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा पेपर है उसका, कि वाष्प का वाष्पन होता है केवल जब उसे खुला छोड़ दिया जाता है, केवल उसके क्वथनांक के ऊपर, उसके गलनांक के ऊपर या गलनांक के नीचे। तो यह है इसके गलनांक के ऊपर। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचे शिखर कौन सा है? लैंडी पर्वत, कैमूर पर्वत, धूपगढ़ शिखर या माउंट लेगोन। तो धूपगढ़ शिखर जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की, यानी सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पेपर की। यहाँ का गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किन्विन में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग दस्तावेज के समस्त टेक्स्ट को चयनित करने के लिए किया जाता है? तो यह राइट आंसर कंट्रोल ए। इसके बाद निम्न में से मीन संवर्धन का अभ्यास कौन सा नहीं है? नंबर एक, पिंजरों से मत्स्य खेती, धान मीन संयुक्त संवर्धन, परते या जल कृषि। तो यह है परते। इसके बाद किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है? ऑप्शन रीवा, टीकमगढ़, सतना या सीधी। तो टीकमगढ़ जो जिला है ये आता है यूपी से सटे इलाकों की ओर, यानी निवाड़ी के आसपास। तो यहाँ पर बघेली भाषाएं नहीं बोली जाती हैं, यहाँ पर बुंदेलखंड की जो भाषा है वह बोली जाती है। इसके बाद होलकर राजवंश की खोज किसने की? तो यशवंत राव होलकर, मल्हार राव होलकर, या अहिल्याबाई होलकर, या शिवाजी राव होलकर। तो यह मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर को होलकर राजवंश के संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वे इस रूप में संचित होते हैं। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित रहते हैं। इसके बाद मैक्रोस बनाने के लिए एमएस वर्ड कौन सी भाषा का यूज़ किया जाता है? तो यह विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक भाषा का यूज़ मैक्रोस बनाने के लिए एमएस वर्ड में यूज़ किया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे कम भौगोलिक दृष्टि वाला जिला कौन सा है? ये जो दिया है दतिया, जबलपुर, मुरैना या इंदौर। तो इसके हिसाब से दतिया, और वर्तमान स्थिति के अगर हिसाब से हम देखें 2020-21 के हिसाब से, तो वो होगा निवाड़ी। निवाड़ी जो मध्य प्रदेश का की भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश का पठार, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा, मैकल्प क्षेत्र या नर्मदा सोन घाटी। तो यह पश्चिमी पठार। तो पश्चिमी पठार जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा बी, पश्चिमी पठार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्न में से कौन सी बीमारी विश्व से मिटा दी गई है? ऑप्शन है छोटी माता, बी कुष्ठ रोग, या पोलियो मेरुरज्जु शोथ, या चेचक। तो जो चेचक है उसको विश्व से मिटा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें हम कि दोहराए गए शब्द पर एमएस वर्ल्ड कैसी प्रतिक्रिया करेगा? तो दोहराए गए शब्द के नीचे एक लाल लहरिया रेखा, और दोहराए गए शब्द के नीचे एक हरा लहरिया रेखा, या दोहराए गए शब्द के नीचे नीली हरिया रेखा। तो दोहराए गए शब्द के नीचे लाल हरिया लहरिया रेखा आपको मिलेगी जब एमएस वर्ड में आप दोहराए गए शब्द के देखोगे। तो
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भोजन पकाने के बर्तनों के हैंडल लकड़ी अथवा बेकेलाइट प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं? तो ये होता है कि क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो सी वाला हमारा राइट आंसर रहता है। इसके बाद नदी सिंचाई किस राज्य में सर्वाधिक ज़्यादा प्रचलित है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मद जो नदी सिंचाई प्रणाली है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद पाषाण और शैल पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह शैल भित्त जो पत्थरों या शैल पर उगने वाले जो पौधे हैं उनको शैल भित्त कहा जाता है। इसके बाद एक वर्कशीट के लिए डिफॉल्ट शीर्षक हैं तो ये हैं कि कोई नहीं, इसमें यूज़र का नाम भी नहीं होता है, तिथि और समय भी नहीं होता है, शीट टेप का नाम भी नहीं होता है, यानी कि एक वर्कशीट के लिए डिफॉल्ट शीर्षक इनमें से कोई नहीं होता है। इसके बाद द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो कंप्यूटर की गति में वृद्धि करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल करना या नेटवर्किंग करना या डेटा संचय करना। तो द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस का जो मुख्य प्रयोजन होता है वो होता है कि डेटा संचय करना। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो यह 1955 मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? अंडपितक प्रोटीन और वसा, मछली स्टार्च और विटामिन, मांसल भोजन कैल्शियम और प्रोटीन, दुग्ध फाइबर और खनिज। तो इनमें से हमें राइट का चयन करना है, तो सेकंड वाला जो है हमारा केवल फर्स्ट राइट रहेगा कि अंडपितक में जो है प्रोटीन और वसा पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट की बात हम करें तो निम्न कारकों में महासागर धाराओं का कारण कौन सा है? समुद्री जल में परिवर्तन, सघनता, परिवर्तित ताप, वायु या उपरोक्त सभी। तो यह गाइस उपरोक्त सभी। इसके बाद सबसे अधिक स्थायी परितंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थायी परितंत्र की हम बात करें तो ये होगा हमारा महासागर यानी ओशियन, जबकि मरुस्थल, वन और पर्वत ये अस्थायी परितंत्र के तौर पर देखे जाते हैं। और हमारा अंतिम क्वेश्चन कि महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड का पुनः नाम यह रख दिया है, तो यह होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो कि इंदौर में स्थित है। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जहाँ पर आपको डेली नई अपडेट मिलेगी और वेटनरी से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको यहाँ पर आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर आपका एग्ज़ाम फॉर्म से लेकर एडमिशन होगा वहाँ तक कि आपको नोटिफिकेशन या सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।